हेलो लिसनर्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ऐड टूल, डिलीट टूल, एंकर पॉइंट पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा पेन टूल है। पेन टूल के ऊपर जब हम इसको होवल करते हैं तो यहाँ पर ये हमें कुछ ऑप्शन शो कर रहा है। इसको हम एक बार मिनिमाइज करके यहाँ पे हम इसको डॉक आउट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिक्टेंगल टूल से एक रिक्टेंगल को बनाएंगे। जैसे हमने इस रेक्टेंगल को बनाया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ऐड ऐड करेंगे एंकर टूल को। यहां पर हमारे पास ऑप्शंस आ रही है, पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। अब हम सबसे पहले सीखेंगे ऐड एंकर पॉइंट टूल। इसके लिए आप या तो डायरेक्ट कीबोर्ड से प्लस का साइन इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे अब हमने इसको क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें प्लस का साइन जो है वो डिस्प्ले हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, एंकर पॉइंट को स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे हमने इसके एंकर पॉइंट को स्पेसिफाई किया, अब हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से हमारे पास एक अप, डाउन, लेफ्ट और राइट का एक बटन होता है। हम लोग सपोज अगर हम यहाँ से राइट डाउन का शो करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये हमारा जो एंकर जो है वो डाउन की तरफ मूव हो गया। देख सकते हैं, अगर आपने इसको राइट की तरफ मूव करना है तो आप इसको राइट की तरफ भी मूव कर सकते हो। अगर आपने इसको लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो आप इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर सकते हो। अप करना है तो आप इसको अप भी कर सकते हो, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको करते हैं डाउन। डाउन करने के बाद हम इसको थोड़ा सा राइट करते हैं सेंटर में लेके आने के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा और डाउन करते हैं। जैसे हमने इसको डाउन किया, अब हम क्या देख रहे हैं कि अब हम यहां से सिलेक्ट करेंगे लाइन टूल को। जैसे हम यहां से लाइन टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहां से हम शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। हमने इस लाइन को ड्रॉ किया, अब हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को एडजस्ट करेंगे। मीन्स हम इस लाइन को मूव करके यहां पर डाउन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम सिलेक्ट करेंगे एंकर ऐड पॉइंट टूल। हम यहां से इसके पाथ को स्पेसिफाई करेंगे। हमने इसके पाथ को स्पेसिफाई करने से जहां तो आप माउस के कर्सर से इसको अप एंड डाउन कर सकते हो। अब हम इसको अप करते हैं, हम देख सकते हैं। अप करने के बाद यहां से हम फिर एक बार लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से शिफ्ट प्रेस करके हम यहां से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। जैसे हम इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इसमें कलर फिल कर देते हैं। यहां से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से कलर फिल कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके हम यहां से इसमें कलर फिल कर देते हैं। जैसे हमने इसमें कलर फिल किया, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ही एक एनवेलप टाइप में हमारा एंकर जो है वो क्रिएट हो गया। मींस दैट कि आप एंकर टूल को ऐड कर सकते हो। अब अगर हमने इसको रिमूव करना है किसी भी एंकर को, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक रिक्टेंगल। जैसे हमने इस रिक्टेंगल को ड्रॉ किया, हम इसको सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन टूल से और हम इसको स्केलिंग कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसका साइज बड़ा कर देते हैं। जैसे हमने इसको साइज को बड़ा किया, अब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट। जैसे आप यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से पॉइंट जो है वो एंकर पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। यहां से हमने डिलीट एंकर पॉइंट को
ये हम देख सकते हैं। हम एक बार इसको डिलीट करके सिलेक्शन टूल से इसको हम डिलीट करके एक बार फिर से रेक्टेंगल को बनाते हैं। हमने इस रेक्टेंगल को बनाया, यहां से हम सबसे पहले हम एंकर्स को क्रिएट करते हैं। जैसे हम इस सबसे पहले ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब आपने डिलीट एंकर पॉइंट को यूज करना तो आप सबसे पहले एंकर पॉइंट्स को क्रिएट करोगे। जैसे हम यहाँ पे इनको क्रिएट करते हैं एंकर पॉइंट्स को, ये हम देख सकते हैं हमने एंकर पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब हमने एंकर पॉइंट्स क्रिएट कर दिया, अब हमने एंकर डिलीट पॉइंट का यूज करना। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब हमारे पास यहाँ पे एक माइनस का पॉइंट शो हो रहा है। जब ही हमारे पास माइनस का पॉइंट शो होएगा तो हमें वहां उस जो हमारे पहले से एंकर बना हुआ है हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे से यहाँ से डिलीट हो गया। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आप उन डिलीट करते समय आप उन एंकर पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग एंकर पॉइंट ऑलरेडी बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास अब इस तरीके का डिलीटिंग एंकर पॉइंट शो हो जाता है। हम एक बार फिर इसको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम यहाँ से एंकर पॉइंट्स को ऐड करते हैं। इस हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, ये हमने दो एंकर पॉइंट ऐड करे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और हम अपने एग्जिस्टिंग एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से फिगर का डिस्प्ले होता है। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा कि हम पेन टूल में से एंकर पॉइंट ऐड और डिलीट टूल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम इसको क्लोज करते हैं और यहां से हम वापिस पेन टूल को सिलेक्ट कर देते हैं। थैंक यू।